किसान का अपहरण कर भूमाफिया ने कराया जमीन का बैनामा। वर्तमान समय में भूमाफियाओं की सक्रियता इस कदर बढ़ गई है कि वह गांव के भोले भाले किसानों को किसी बहाने से अपहरण करके और उन्हें डरा धमका करके उनके नाम पर दर्ज जमीनों का बैनामा कर ले रहे हैं। जहां 12 तहसील में भूमाफियाओं की सक्रियता इस समय काफ़ी हद तक तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है, वहीं इस क्रम में बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीहवा गांव के किसान अशोक कुमार जायसवाल उम्र 55 वर्ष जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनका अपहरण 21 सितंबर को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कर लिया गया और 25 व 26 सितंबर को उनके नाम पर दर्ज लगभग 5 बीघे जमीन का बैनामा भूमाफियाओं के द्वारा कर लिया गया, जबकि बहना भूमाफियाओं के द्वारा बैनामा कराई गई जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के बगल होने के कारण उपरोक्त जमीन की कीमत करोड़ों में है। पिता के गायब होने के बाद बेटे सुरेश कुमार के द्वारा बारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पूरा मामला क्या है आइए दिखाते हैं राजेश सोनकर की इस खास रिपोर्ट में। और हमारा लड़का का खाई हम का खाई दुई बहू हमारे चार नाती पोता है दुई हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम कहाँ जाए जाए तहसील में जहर खाएगी मैं जहर तक खाई की पैसा नहीं हमारे पास। क्या आप लोगों की जानकारी में जमीन बेची? जानकारी में हमारी जमीन नहीं बेची, अगर हम जाए कि हमारी जानकारी में जमीन बेचा था तो हम कहे बेचा ही दे। तो क्या उनकी जो है जैसे घर के द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत भी खराब मानसिक स्थिति थोड़ा खराब थी और दवा वगैरह चल रही उनके दिमाग कुछ कम रहत रही दिमाग उनके ही रहता का कर रहे का कर इनका दिमाग सही नहीं रहा। तो इलाज भी चल रहा था उनका? हाँ उनका इलाज भी चल रहा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमला जायसवाल। ये जो आपके पिताजी का अपहरण करके जो है आपकी पैतृक संपत्ति का बैनामा कराई, इसमें क्या घटना है, पूरी सत्यता क्या है? सर हमारे पिताजी जो है 30 तारीख से लापता है घर से। ये हुआ कि भाई रिश्तेदारी में पता किया गया, ढूंढा गया तो ये हुआ कि नहीं मिले पता, रास्ता रिश्तेदारी में ढूंढा जाता है। फिर ये जानकारी मिली भाई विश्वास सूत्रों द्वारा कि भाई इनका जो है जमीन का बैनामा करा लिया गया है, तो हम लोगों ने तहसील में पता किया वकील के द्वारा, तो तहसील में जानकारी हुई कि 25 और 26 तारीख को उनके लगभग जो है 4 बीघे जमीन का बैनामा करा लिया गया। तो मैंने उन लोगों के नाम जो है 2 तारीख को ही एप्लीकेशन डाला मुकदमा के नामजद मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन वो मुकदमा में दर्ज करने में हिला हवाली कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से 4 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया। मुकदमा हमने गुमशुदगी के लिखाया, अपहरण का लिखाया, लेकिन पुलिस जो है उन लोगों को जो है क्या बोलते हैं कि अपहरण न दिखा करके गुमशुदगी दिखाई जा रही है कि नॉर्मल इनको कहीं गए थे चले आए हैं। उसमें जो जिन क्रेता लोगों को पकड़ा गया, क्रेता लोगों ने बताया कि भाई इस षड्यंत्र में उन्होंने कहा भाई राम कैलाश को जानते हो, तो कहा गया कि राम कैलाश भाई हम नहीं जानते हैं, बोला तब के जैसे जमीन लिखा गया। तो क्रेता ने संतोष केसरवानी क्रेता ने बताया कि भाई ये प्रेमचंद पटेल कोई वकील हैं, उनके थ्रू जो है हमारे बातचीत हुई थी और वही जो है सब कुछ किए हैं, वही षड्यंत्र करता है, अब उनकी जो है कुछ उनके बारे में कुछ जाँच नहीं चल रही है। तो इस समय पिताजी आपके कहाँ पे हैं? इस समय हमारे पिताजी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कि जो षड्यंत्र करता है या अपहरण करता है उनकी जान भी ले सकते हैं, उनके जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो जो लोग पकड़े गए उनके द्वारा आपके पिताजी के बारे में क्या बताया गया, कहाँ पे हैं या किसी अभी तो कुछ नहीं बताया गया, पुलिस कह रही है भाई हम खोज रहे हैं मिल जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो क्या 12 पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? 12 पुलिस कार्रवाई तो हम संतुष्ट नहीं है भाई, जो क्रेता लोग तो पकड़े गए ठीक है, उन्होंने कुछ कार्रवाई तो किया है, गवाहों को पकड़ा गया है, लेकिन गवाहों ने जिनका षड्यंत्रकर्ता का नाम बताया गया है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वही मेन है, वही षड्यंत्रकर्ता अगर उनको पकड़ा जाता तो सारी बात खोलते कि लिंक क्या होता, किसके थ्रू जमीन लिखाई, कि राम कैलाश का संपर्क कैसे हुआ, उन प्रेमचंद का पटेल का संबंध राम क्या बोलते हैं संतोष केसरवानी से कैसे है, भाई हमारे पिताजी तो कोई जानते नहीं हैं, जो क्रेता कुछ भोपाल के हैं भाई हमारे उनका क्रेता का और पिताजी का हमारे क्या संबंध हो सकता है भाई, इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ आपस में लिंक बनाया गया है, पार्टी ढूंढ के लाई गई है बाहर के लोगों को। आपका परिचय? मैं सुरेश कुमार जायसवाल हूँ, ग्राम डिहवा पोस्ट के रहा, जिला इलाहाबाद।